सत्यानासु और ये धर्म भी मेरो धर्म जब इतलाक आए राक्षस कहने लगा बार बार तू एक ही बात कह रही है, अरे तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, क्या अच्छा नहीं किया, ये तेरे कोई औलाद नहीं थी, मैंने तेरी कोख हरी भरी कर दी, मालूम तेरे कैसा लड़का पैदा होगा। बोली कैसा लड़का होगा, बोली सुन कि मेरे इंद्र हार करके चला जाएगा। जब अपनी बात कही वो दुर्मलिक नाम का राक्षस तो चला गया, तब तक सारी लड़कियां आ गई। बोली बहन क्या बात है, ऐसे क्यों श्रृंगार मजा है। बोली बहन तुम्हें नहीं पता है। बोली क्या नहीं पता है, बोली तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। एक बोली नाक की नथुनिया कहाँ गई है, बोली है लड़की कि कैसे गिर गई, कि कैसे गिर गई नथुनिया, और बताए रानी कैसे गिर गई नथुनिया। We'll be right back.
देखा बोले, बहन तुम्हें नहीं मालूम है जब तुम यहाँ से चली गई तो एक हट्टा कट्टा सा बंदर आया, मेरे गाल पे तमाचा मार गया, सारे सिंगार को बिगाड़ गया। लड़कियां बोली चलो कोई बात नहीं है, आप परिचित जी रानी घर के लिए लौट आई। धीरे धीरे समय बीता, परीक्षित जी तो पवन रेखा की कोख से एक बालक का जन्म हुआ। ऐसा ही नहीं आते आने लगे लिखा कि पैदा होते ही बालक के और यादी तूफान मचाने लगी, आदि तू चाने लगी, बिजली चमकी आकाश ना आंधी तूफान आने लगा, बिजलियां चमक रही हैं, पृथ्वी मैया कांप उठी, यमुना जी में बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी एक राक्षस का जन्म हुआ। अब उस लड़के का नाम कंस रखा गया। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, लड़कों के साथ में खेलने जाता है, काऊ को तो तालाब में डूब तोड़ दे, काऊ को वृक्ष के ऊपर से फेंक दे, बड़े पाप अत्याचार कर रहा है। एक दिन बच्चों के साथ में खेलने गया, एक लड़के से पूछा, हुए बोला आज तुम्हारी माँ ने क्या बनाया? भैया मेरी माँ ने, हाँ हाँ मैं ना बताई तो तेरे मुंह में पानी आ जाए। अरे बताओ तो, आज मेरी भैया ने बनाई हीर। हीर? और का हीर नहीं खीर कहते, खीर। हाँ हाँ भाई खीरे। क्यों भैया? हाँ भैया ये खाने में बहुत सुंदर लगती होगी, बहुत मीठी, बहुत अच्छी। इसमें क्या क्या पड़ता है? इसमें 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 पड़े मुछारे। अरे मुछारे नहीं तो, अरे हाँ हाँ भैया भाई छुआरे। और परिजा में किस्मत, किस्मत भाई किसमें से? हाँ भाई किसमें से? और परिया में हरी। हरी नहीं बेटा गरी। हाँ भाई गरी। और क्या चीज पड़ी? और ना थोड़ी चीनी कम पड़ी तो मैं मिटाते हैं मुतासे। मुतासे नहीं बतासे बोलते। हाँ बतासे भाई तो मानसर जी में पेड़ा खा जाते हैं ये तो, ये खाने में बहुत अच्छी लगती होगी।